रुको रुको, इस वीडियो को छोड़ के जाने से पहले यार मेरी एक थोड़ी सी बात सुन लो। तुम लोग यार ना वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही छोड़ के चले जाते हो, तो यार ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। तुम वीडियो को 3 से 4 मिनट वॉच करो, अगर कॉन्सेप्ट वीडियो का तुम्हें समझ में आएगा तभी वीडियो में मज़ा आएगा। तो 3 से 4 मिनट वीडियो को वॉच करो, अगर वीडियो अच्छी लगे तो ही वीडियो को देखना, वरना कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और वीडियो अच्छी नहीं लगे तो कम से कम एक चीज़ कर देना कि मेरे को कमेंट कर देना कि वीडियो में क्या दिक्कत है और क्यों अच्छी नहीं लग रही, तो मैं उस वीडियो में थोड़ा इंप्रूव कर सकूँ। वीडियो को एंड तक जरूर से देखना यार, वैसे तुम क्यों ही देखोगे, तुम तो बड़े यूट्यूबर को जाकर सपोर्ट करोगे, ऐसा कोई बात नहीं यार, चलता है ये सब। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। तो यहाँ पर अपना जो माइनक्राफ्ट का रस्म होती है वो अपने को निभानी पड़ेगी, वरना यार तुम माइनक्राफ्ट के अंदर जी नहीं सकते। तो यहाँ से पहली रस्म है पेड़ काटना, तो यहाँ से फटाफट से काम करते हैं, यहाँ से पेड़ काटते हैं और मैं मिलता हूँ तुमसे पेड़ काटने के बाद। ओके, तो अपना इतना काम तो हो चुका है यार गाइस। अभी अपने को यहाँ पर बनाना अपना एक मेन औजार, अपना एक हथियार जो है अपनी क्राफ्टिंग टेबल, और क्राफ्टिंग टेबल बनाना बच्चों का खेल है यार, इसमें क्या बड़ी बात है। क्राफ्टिंग टेबल यहाँ पर अपनी बन चुकी है और अब इस क्राफ्टिंग टेबल को, ये क्राफ्टिंग टेबल थोड़ी है, क्राफ्टिंग टेबल ऐसा कहते हैं भैया। तो यहाँ पर क्राफ्टिंग टेबल से अपन बनाएंगे स्टिक, और फिर बनाएंगे अपन यहाँ पर कुहाड़ी, कुहाड़ी से यहाँ पर तलवार, और बस जैसे इसको कुल्हाड़ी बोलते हैं, मैं कुल्हाड़ी बोल रहा हूँ, कुल्हाड़ी बोलते हैं इसको। और अभी अपने को चाहिए एक शिप, तो शिप की तलाश में हमें, ताकि यार अपने को बेड वगैरह मिल जाए, वरना रात में जॉम्बे वगैरह परेशान करेंगे। तुम लोगों को इतना तो पता ही होगा यार, इतनी नॉलेज तो होगी यार तुम लोगों को माइनक्राफ्ट की, अगर इतनी भी नॉलेज नहीं है तो फिर तो यार भैया क्या ही बोले हम, ऐसे ट्रोल नहीं कर रहा हूँ। नीचे एक मुर्गी है भाई साहब, मुर्गी भाई, शिप तो नहीं मिली, अब तुझे ही मारना पड़ेगा यार, तुझे अपना बलिदान देना ही पड़ेगा, ठीक है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ले भाई, हमने तेरा दुख ही खत्म कर दिया, ठीक है, हमेशा हमेशा के लिए दुख खत्म तेरा। ओके, अभी एक काम करते हैं, शिप वगैरह मिल जाए यार, शिप मिल नहीं रही अभी मेरे को, शिप मिल जाए तो अपना काम हो जाएगा यार, शिप मिलनी चाहिए, ये वैसे चाहिए होती तब नहीं मिलती। 5 minutes later ओके, जिसे ढूंढा गली गली वो यहाँ पर मिली शिप, यहाँ पर शिप मिल चुकी है अपने को। शिप रानी तेरी खत्म कहानी, चल हट जा निकल इधर से। और यहाँ पर ये काली शिप भी है, कलवा बटवा, अरे किधर गई, अच्छा ये पीछे की तरफ, तो तेरे को मारना पड़ेगा यार, पापी पेट का सवाल है। और मुर्गी तूने तो दो दो कत्ल हुए देखा है, तो तेरे को मरना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर अब पता नहीं क्या कर दिया मैंने, चलो ठीक है, यहाँ पर फटाफट से अभी मेरे को और शिप चाहिए होगी, क्योंकि यार दो शिप से क्या ही होगा अपना यार, और शिप कहाँ पर मिलेगी मेरे को कोई आइडिया नहीं। ओके, यहाँ पर एक सामने की तरफ को मेरे को शिप का एक बच्चा नज़र आ रहा है। ओए तेरे मम्मी पापा को भेज, तेरे मम्मी पापा कहाँ पर है भाई, भेज दे भाई, यहाँ पे इतना सारा फ्लावर क्यों, मेरे को कुछ आइडिया नहीं है, बट सामने इसके मम्मी है या पापा मेरे को नहीं पता। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, अबे मर जा, ओए किधर गई, मर जा मर जा, ख़त्म। अरे यार ये क्रिटिकल मारा था, मरती नहीं है आजकल यार, इसमें भी जान कुछ ज़्यादा ही है। और ये लो मेरी एक्स भी तोड़ दी भाई इसने। यहाँ से एक काम करते, इससे वाइट डाई बनाते हैं, वाइट डाई बनती है क्या फ्लावर से, लाइट ग्रे डाई बन रही है यार, मैं सोच रहा वाइट डाई बन जाती तो अपन इसको ब्लैक को वाइट कर देते और अपना काम बन जाता भाई, इतना भी होशियार नहीं अपन। यहाँ पर नहीं बन रही यार वाइट डाई से, यहाँ पर कितना सारा फ्लावर है यार बाकी। और तेरे भाई बहन को और भेज दे यार, मेरा काम हो जाएगा, अपने भाई बहन को भेज दे भाई, चारा खाने में बिजी है भाई यहाँ पर, भगवान कुछ तो दे दो, यहाँ पर कुछ सिप चाहिए मेरे को, सिप दे दो। ओ भगवान जब भी देता देता छप्पर फाड़ के यहाँ पर, अबे मर जा ओए। हाँ भाई मैंने जैसे ही बोला सिप दे दो भाई, मिल गई यार सिप, ये बढ़िया बात है भाई। और यहाँ पर स्विमिंग पूल किसने बना दिया, मोजंग वालों, तुम स्विमिंग पूल भी बनाते हो क्या। ओके, यहाँ से काम करो फटाफट से, अभी आगे की तरफ चलते हैं, और अपना काम तो हो गया यार, अभी बेड वगैरह अपन आराम से बना पाएंगे, लेकिन अपना पहला घर भी यहाँ पर बनाना, जो फिर तुमने वीडियो के शुरुआत में देखा है। ओके, यहाँ पर अबे ये यहाँ पर क्या कर रहा है, इसमें भी जाएंगे पर अभी नहीं जाना भैया, बाद में जाना है, अभी जॉम्बे वगैरह पेल देंगे अभी गए तो। ओके, शिप मिल चुकी सामने, ओ माय गॉड शिप, ओ भैया शिप, चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। अबे सही बात है यार, कुछ ज़्यादा ही हो गया था ये तो, शिप मिल तो गई है और क्या, फिर मैं क्या करूँ भाई, फिर भी चिल्ला रहा हूँ शिप मिल गए शिप मिल गए, यार पहली बार देखा हो जैसे, तू भी मर जा भाई। यहाँ पर मैं इसलिए मार रहा हूँ क्योंकि यार अपने को बाद में भी ज़रूरत पड़ती है, रही कि कारपेट वगैरह बनाएंगे तो उसके लिए, तो इसलिए शिप तो चाहिए होगी यार। फटाफट से एक काम करते हैं, यहाँ से अपना जो एरिया वो किधर गया भाई, क्राफ्टिंग टेबल मैंने रखी थी वहाँ पर। ओके, ये पेड़ मैंने यहाँ पर काटा था और ये रही अपनी यहाँ पर क्राफ्टिंग टेबल, ठीक है।
और यहाँ पर अभी मैं थोड़े से पेड़ वगैरह भी काटूंगा, और ताकि यार थोड़े से वुड वगैरह आ जाए अपने पास। सबसे पहले तो अपना बेड बनाओ, क्योंकि यार कमर में दर्द होता है तो बेड ही चाहिए होता है। ठीक है, यहाँ पर इस पर सेट हो गया अपना। ओके, यहाँ पर भाई लोगों अभी देखो, मैंने तुम लोगों को बोल तो पेड़ काटूंगा, तो यहाँ पर मैंने पेड़ तो काट लिया है। यहाँ पर देखो 64 मतलब एक स्टैक मैंने ये ले लिया, और यहाँ पर 34 और थोड़े से एक्स्ट्रा है। तो अभी एक काम करते हैं, इनके फटाफट से प्लैंक्स बनाते हैं, और प्लैंक्स से अपन अपना घर बनाना स्टार्ट करते हैं फटाफट से, बिना किसी देरी के। तो यहाँ पर प्लैंक्स अपने 99 प्लस बन जाएंगे, देखते कितने स्टिक प्लैंक बनते हैं इनसे। वैसे थोड़ी आवाज़ में दिक्कत है तो उसके लिए सॉरी, बट हाँ। और अभी तक वीडियो को देख रहे हो तो लाइक तो करो यार, सब्सक्राइब भी कर ही देना अगर नए हो तो, कमेंट करके तो बताओ यार वीडियो में क्या कमी है, वीडियो में और क्या क्या मैं इंप्रूवमेंट्स कर सकता हूँ, वो तो तुम लोगों को कमेंट करने चाहिए ना यार। अगर यार मेरे चैनल पर लिटरली 50 से 60 व्यूज़ आते हैं नॉर्मली, तो भी मैं तुम लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ यार, तुम लोग मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? कमेंट तो करना बनता है यार, थोड़ा बहुत कमेंट वगैरह करो यार, ऐसा मत करो। ठीक है, यहाँ पर अपना फटाफट से बिल्ड स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का। हाँ, यहाँ पर अपन बनाने वाले अपना पहला घर, जो पहले दिन ही अपन बनाने वाले हैं, और तुम लोगों के लिए वीडियो के एंड में एक सरप्राइज़ भी है, तो वीडियो के एंड तक जरूर से देखना उस सरप्राइज़ के लिए। ओके, यहाँ पर अपन ये प्लैंक्स लगाते हैं, प्लैंक क्या रही है इसको क्या बोलते हैं, फेंस लगाते हैं यहाँ पर। और ये कूद के नहीं लगाता है क्या, चलो ऐसे ही लगा लेते हैं भैया। अभी मेरे को इसको फटाफट से बिल्ड करना है, और मैं तुम लोगों से मिलता हूँ इसको फटाफट से इस एरिया को बिल्ड करके, सीधा उसके बाद में मिलता हूँ तुम लोगों से। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर अपना जो बेस तो वो तो कंप्लीट हो चुका है भैया, छत नहीं है, इसके ऊपर घर बनेगा। तुम ऐसा मत सोच लेना कि भैया ये ऐसी कैसी छत बना दी, ऐसा कैसा घर बना दिया, तो इसके ऊपर अभी घर बनना बाकी है जो तुमने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा है। यहाँ पर एक काम करते हैं, ये फैन लगा देते हैं, फैन बोल रहा हूँ बार बार, पंखा थोड़ी है। यहाँ पर इसको तोड़ो, इसको तोड़ना पड़ेगा भाई, ये थोड़े अजीब लग रहा है यार, साइड से स्टेयर नहीं जाती, सीधी स्टेयर जाती, तो अपन सीधी स्टेयर लगाएंगे इधर पे, यहाँ पे इसके सामने, यहाँ पे स्टेयर लगानी है अपने को। अब कहाँ पे जा करके अच्छा लग रहा है, ओके इसके ऊपर चलते हैं फटाफट से, और अपना बिल्ड स्टार्ट करते हैं। इसके ऊपर घर भी तो बनाना है ना, ऐसे ही आसमान में थोड़ी सोएंगे, आसमान के नीचे मतलब आसमान में थोड़ी जाके सो सकते हैं यार। तो यहाँ पे दो ब्लॉक छोड़ के मेरे को यहाँ पर एक और ये दो, यहाँ पे तीसरा ब्लॉक यहाँ पे लगाना मेरे को ये, और फिर इसके ऊपर खड़े हो जाते हैं, और 1 2 3 4 5 इतना स्लो क्यों गिन रहा हूँ मैं पता नहीं, बट ये 5 हो गया अपना। तो यहाँ पे अपन इसको लगा देते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर टोटल ये 6 ब्लॉक हो गए, क्योंकि एक ही है जिसके ऊपर मैं खड़ा था, उसको मैंने गिना नहीं। फटाफट से बिल्ड स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का। ओके, यहाँ पर जादू की छड़ी घुमा दी मैंने, और तुम देखो यहाँ पर ये बिल्ड हो चुका है, इसका गेट बना देते फटाफट से, और ये गेट भी अपना हो चुका है यहाँ पर रेडी। और बस ऊपर से भैया, ऊपर से थोड़ा सा बंद करना भूल गया, सॉरी यार, अभी बंद कर देते हैं फटाफट से। छत बनानी है, अरे यार यहाँ पे टकले में भिड़ जाएगा तू, मेरे यहाँ से हट जा, यहाँ पे छत बनानी है भाई। हाँ, छत बना दे दो, ठीक है, यहाँ पे छत अपनी रेडी हो जाए फटाफट से। ओके, तो यहाँ पर ये तो अपना बन चुका है, और ये पता नहीं मैंने क्यों लगा दिया यहाँ पर, इसको बैठाओ। और अपनी बारी अभी सामान लाने की, आई चोट लग गई रे, चोट लग गई। सामान लाते फटाफट से, क्राफ्टिंग टेबल जो अपना मेन औजार है उसको तो पहले भैया, सबसे पहले इसको रखूँगा मैं अपने घर में, बट चेस्ट वगैरह अभी आवाज़ सुनना तुम चेस्ट तोड़ने के बाद में, क्या ही मस्त आवाज़ आएगी, क्या ही मस्त आवाज़ है यार। नो 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 नो, मस्त आवाज़ है भाई, मानो या ना मानो, मेरे को काफ़ी अच्छी लगती है यार ये आवाज़। बाय द वे, यहाँ पर अभी एक काम करते, मैं बोल रहा था पहले यहाँ पर ये रखेंगे क्या बोलते उसको, क्राफ्टिंग टेबल, लेकिन नहीं, अपन यहाँ पर सबसे पहले अपना बेड रखेंगे। और बेड के लिए मैं जगह सोच रहा हूँ, किधर गया अपना बेड, कहाँ पर है भैया, बेड बाहर ही पड़ा है। हाँ, यहाँ से बेड तोड़ो, और बेड के लिए मैं सोच रहा हूँ कि कौन सी जगह बेस्ट रहेगी। आई गेस इधर अच्छा रहेगा बेड अपना, इधर सही रहेगा। हाँ, यहाँ पर बेड लाओ अपना भाई, बेड तो चाहिए होगा यार, क्योंकि थक गए यार घर बनाए, अभी थोड़ा सा आराम भी तो मिलना चाहिए ना, तो इसलिए सबसे पहले बेड, और उसके बाद अभी मेरे को यहाँ पर चाहिए अपनी क्राफ्टिंग टेबल। तो यहाँ पर अपनी क्राफ्टिंग टेबल, इसको रखो, और अभी अपन बनाने वाले हैं यहाँ पर तिजोरी, तिजोरी बोले तो चेस्ट, चेस्ट बनाएंगे यहाँ पर, एक चेस्ट बना देते, क्योंकि यार एक चेस्ट काफ़ी ज़्यादा छोटी होती है, तो यहाँ पर दो चेस्ट मिला के अपने की लार्ज चेस्ट बन जाएगी एक, इसलिए लार्ज चेस्ट यहाँ पर अपन प्लेस कर देते हैं। और यहाँ पर अपने ये फर्नेस लगा देंगे, ये छोटी सी जगह दिख रही है ना यहाँ पर फर्नेस, और इसके अंदर अपन अभी तो पम्पकिन रख देते, और तो कुछ सब काम का अभी बिल्ड आगे भी बढ़ाना है, तो थोड़ा सा यार साज सज्जा भी तो होनी चाहिए ना, इसलिए साज सज्जा के लिए अपन यहाँ पर यह रखने वाले अपने पास। और यहाँ मेरे को थोड़े से फैंस चाहिए होंगे, बिकॉज़
फेंस यार थोड़ा सा काम है फेंस का, क्योंकि मैं चारों तरफ बाउंड्री खींचूंगा फेंस की, और उससे पहले प्लैंक्स बना लेते हैं और स्टेयर्स वगैरह भी मेरे को बनानी पड़ेगी यहाँ पर। पर सबसे पहले डोर, क्योंकि यार मेन गेट का गेट तो होना चाहिए यार, गेट नहीं होगा तो कोई भी घुस जाएगा घर के अंदर, ऐसा थोड़ी होता है, प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज़ होती है यार। तो यहाँ पर गेट लगा दो अपना। ओके क्या लग रहा है अभी? अभी तो कुछ लुक नहीं आएगा, बट जल्दी आ जाएगा लुक इसके अंदर, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो ओके यार गाइस, अभी वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही थी यार, लेकिन इसलिए मैंने यहाँ पर जो तुम लोगों को शॉर्ट में बता देता हूँ क्या हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पर मैं इसके स्टेयर्स वगैरह लगा रहा हूँ ताकि थोड़ा सा लुक अच्छा हो जाए, और यही मैं काम ऊपर की तरफ भी करने वाला हूँ इसके घर के। और यार अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक ज़रूर से कर रहे यार, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब तो करना बनता है यार, इतना तो कर ही सकते हो आप अपने छोटे भाई के लिए, तो इतना ज़रूर करना। और यहाँ पर ये स्टेयर लगाने के बाद मैं इस बाउंड्री के चारों तरफ बाउंड्री करूँगा, मतलब फेंस लगाऊंगा चारों तरफ घर के, तो ताकि नीचे वीचे ना गिर जाए अपन। और उसके बाद मैं तुम्हें इसका कम्प्लीटली व्यू बताऊंगा कि कैसा दिखता है ये, और इससे जो आसपास की जगह वो कैसी दिखती है, तो वो भी देखने में लिए काफ़ी मज़ा आएगा। तो वीडियो करने तक जरूर से देखना, और वीडियो के लास्ट में तुम लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है, तो उसके लिए तो वीडियो ज़रूर से देखना एंड तक। ओके यहाँ पर ये देखो यार, ये मैंने मॉडर्न स्टेयर बनाई, क्या गजब यार, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे सीढ़ी हो, इसके ऊपर चढ़ के जा सकते हैं, बट ये फेंस की बनी हुई, चढ़ के नहीं जा सकते। फिलहाल रात हो रही है, ऊपर चल के सो जाते हैं, और पता नहीं मैंने यहाँ पर ये फेंस क्यों लगा दिया है, अंदर जा नहीं पा रहा हूँ इधर से, साइड से हो गया, अभी जुगाड़ लगा के जाना पड़ेगा। ओके यहाँ पर एक काम करो, ये दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा वापस से अपन बंद कर देते हैं, और अभी थोड़ा आराम फरमा लेते हैं। ओके यार गाइज, अभी ये नेक्स्ट डे है, मैं मतलब मेरे रियल लाइफ का नेक्स्ट डे है यहाँ पर वीडियो बनाते बनाते। तो यहाँ पर व्यू देखो यार तुम लोग, पहले क्या ही मस्त व्यू है यार यहाँ से, इसलिए मैंने घर यहाँ पे बनाया। और सनसेट तो क्या ही ओपी लग रहा है इधर से, और एक सेकेंड इधर सनसेट है ना, इधर देखो मून आ रहा है भाई, क्या ही ओसम लग रहा है भाई, एक तरफ सन एक तरफ मून, काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है भाई सन और मून का। वैसे मेरा ये सेकंड डे है, इसलिए यहाँ पर तुम लोग बोलोगे अभी सो रहा था, अभी वापस रात कैसे हो गई, तो इसीलिए ये थोड़ी सी रात इसी वजह से हुई है। यहाँ पर थोड़ा लाइटनिंग वगैरह लगा देते हैं, टॉर्च वगैरह, ताकि अंधेरा ना रहे भाई, घर में रोशनी ज़रूरी है, क्योंकि यार मेरे को अंधेरे से डर लगता है, रियल बता रहा हूँ। और यहाँ पर अभी सो जाते हैं फटाफट से, नेक्स्ट डे करते हैं फिर से। ओके गुड मॉर्निंग गाइस, और अभी यहाँ पर वीडियो को एंड करने का टाइम आ चुका है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और मैं मिलता हूँ जल्दी तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।